Hello, India. Скажи, добро пожаловать в Узбекистан. Welcome to Uzbekistan, India. केलो का प्राइस है 20,000 केले के हैं, रोल्स है 39,000 के। काफ़ी नाइस लोग हैं भाई, काफ़ी हसमुख लोग हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, आज आपको लेके चल रहे हैं एक उज़्बेकिस्तान के मॉल में, और आज हम करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन उज़्बेकिस्तान ताशकेंत, जो कि कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी जैसे कि आपको पता ही होगा, बाकी सिटी से थोड़ा प्राइस अप भी होता है, फिर भी बेसिक समझ आ जाता है बंदे को भी क्या प्राइसेस रहेंगे यहाँ पे। तो अब एक ये मॉल है हमारे पीछे, यहाँ पे जाते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं। पहले दिखाएंगे आपको सबसे नंबर पे जो भी नेसेसिटीज़ हैं, ग्रॉसरी, खाना, कपड़ों के मेरे को इतने ब्रांड्स दिख नहीं रहे यहाँ पे। तो ग्रोसरी, खाना तो मेन कवर हो जाता है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, उसके प्राइजेस के बारे में बताऊँगा, और क्लिप भी आ जाएगी कैसी ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन गाइस, यहाँ की मेट्रो बहुत ही सुंदर है। ये देखो, ये हर कोने पे ये आइसक्रीम के छोटे छोटे ठेले लगे हैं, जैसे हमारे वहाँ पे नहीं आते थे इंडिया में छोटे होते थे। वो कौन सी कुल्फ़ी होती थी, वो तिल्ला कुल्फ़ी वैसी सी है कुछ। तो अब चलते हैं हम मॉल के अंदर, फिर आपको दिखाते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन उज़्बेकिस्तान। तो गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई दोस्त या जानकार उज़्बेकिस्तान जाना चाहता है, उसको ये वीडियो शेयर करके उसको पहले से नॉलेज दे दें। गाइज, आप देख सकते हैं बहुत ही पेट्रियाटिक लोग हैं। आप हर 200 मीटर चलोगे तो ये उज़्बेकिस्तान का झंडा मिल जाएगा। मैक्सिमम दुकानों के बाहर भी लगा हुआ है और घरों के बाहर भी लगा रखा है लोगों ने। और अब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं लोग कि रशियन कल्चर हटा के इंग्लिश को अपनी फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज बनाए, बेसिकली उज़्बेकिस्तानी को फर्स्ट लैंग्वेज। ये देखो, यहाँ पे ट्रॉली बस है, दो ज्वाइन की हुई है। ट्रॉली बस काफ़ी सस्ती है, 1400 सूम की पड़ती है, जो कि 14 रुपए हो गए। तो काफ़ी सस्ते कि शहर के एक कोने दूसरे कोने में जा सकते हो अब 14 रुपए में। ये सुपरमार्केट मिल गई गाइस, सुपरमार्केट में चलते हैं सबसे पहली नंबर पे। काफ़ी बड़ी सुपरमार्केट लग रही है, इसका नाम है कोर्ज़िंका। कोर्ज़िंका का मतलब इनकी रशियन लैंग्वेज में होता है बकेट। अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं आगे क्या प्राइजेज हैं। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन उज़्बेकिस्तान। चलो सब्जी फ्रूट से शुरू करते हैं, फिर आगे चलते हैं उससे। तो मैं जो भी प्राइस बताऊंगा उसको डिवाइडेड बाय 141 कर लेना, तो वो अपना हो जाएगा। तो अब आपको शुरू करते हैं, सबसे पहले फ्रूट्स दिखाते हैं, फिर सब्जियाँ दिखाते हैं, फिर आपको प्राइस कंपैरिजन करके बताते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आ गए हमारे सेब। यहाँ पे जो सबसे कम प्राइस है वो है 13,990, मतलब अप्रोक्सीमेटली 14,000। इसको 141 से डिवाइड कर लो, मैं भी डिवाइड करके स्क्रीन के नीचे लगा दूँगा। केलो का प्राइस है 20,000 केले। यहाँ पे सेंट्रल एशिया में सारी जगह ही महंगे हैं। और उसके बाद दूसरे फ्रूट आ गए, पीच है, वो है 21,000 के इक्वल। ये छोटी चेरी है, सस्ती है, ये 22,000 सुम की है। कीवी गाइस, कीवी चेक करो, 25,000 सुम की, 1 किलो कीवी है। इंडिया में एक पीस इतने इससे इसके आसपास का आता है, बहुत महंगा आता है। सब्जियों में सबसे पहले आगे कारतोश का, जो कि आलू को कहते हैं। आलू है 5499 के, मतलब 5500 सोम के। अब इसको आप डिवाइड कर लो 141 से। और ये प्याज हो गए, प्याज है 7,000 के, 6,990 के। ऐसे ये कोई और अजीब सा नहीं, ये गाजर है, ये येलो वाली गाजर यहाँ पे बहुत चलती है, 23,000 की है। ये ऑरेंज वाली है 14,000 की। ऐसे लहसुन है, लहसुन का प्राइस पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है। और ये बैंगन का है 15,000 का 1 किलो।
और जो गोभी है 6,500 20,000 सोम, खीरा है 11,000 सोम। अब अगला चलते हैं हम किस तरफ चलें ब्रेड्स देख लेते हैं। ब्रेड्स का ये छोटा पैकेट है, मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता ब्राउन ब्रेड खानी, ये वाली ठीक सी लग रही है। 9,000 सोम की है ये एक, ये रस है 9,000 सोम के, नान है यहाँ पे 8,000 सोम के, जो आप सुपरमार्केट में जाओगे इससे भी सस्ते हो, देखो पूरे पिज्ज़ा जितना नान है, 35 सेंटीमीटर वाला पिज्ज़ा जो आता है उस साइज़ का। मेरे ख्याल से तो जो इनकी ग्रोसरी है इतनी महंगी नहीं है, बाकी कंट्रीज से रिलेशन कंट्रीज से सस्ती है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्शन काफ़ी है इनकी, फार्मिंग अच्छे लेवल पे होती है। आपको चिकन वगैरह का दिखाएं, ऐसे ही जितने भी रशियन सेंट्रलेशन कंट्रीज होती हैं यहाँ पे सारा ये फ्रोजन पड़ा होता है, चिकन है KFC वाला, ले जाओ घर पे फ्राई करो या गरम करके माइक्रोवेव में खा लो। ये सैलड वगैरह है, चीज़ है, दही जो कि 9,000 की है, 750 ml। ये दूध का पैकेट है 10,990, 1% फैट वाला, 2% वाला 11,990, ऐसे ही अलग बढ़ते जाते हैं, मतलब 9-10 हज़ार सोम का एक पैकेट आ जाता दूध का। ये अलग अलग तरह के राइस हैं, 20,000 के भी हैं, 27,000 के भी हैं, 18,000 के भी हैं। ये एक किलो का पैकेट है, छोले हैं ये 35,000 के, ये राजमा है 16,000 की, ओट्स है 4,000 के। ऐसे ही आप गाइस देखते रहो, अपने हिसाब से कन्वर्ट करते रहो। ये 2 किलो का पैकेट है 50,000 का, आटे के मैदे के। पास्ता है 8,000 सोम, 9,000 सोम, 7,000 सोम। तेल हो गया अपना 15,000 सोम का, 1 लीटर वाली सॉफ्ट ड्रिंक, ये 2 लीटर की बोतल है, इसका प्राइस है 15,000 सोम। तो इसके बाद बस लास्ट देखते हैं हम अपना जूस, और मेरे ख्याल से हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। ये पूरी स्ट्रॉबेरी का डब्बा है 18,000 की 1 किलो स्ट्रॉबेरी है। ये जूस देख लो जी, 1 लीटर जूस है 12,000-12,500 प्राइस है, ऐसे ही ये प्राइजेज हैं। तो गाइस ये हो गया ग्रोसरी का प्राइस इसके अंदर उज़्बेकिस्तान के अंदर। अब हम चलते हैं ऊपर थोड़े मॉल में, थोड़ी और दुकानें देख के आते हैं। तो गाइस ये मॉल में कोई एग्जीबिशन टाइप लगा हुआ है, देख सकते हैं हम खरीदेंगे। कल मैं लोकल मार्केट भी जाऊंगा, उसकी वीडियो अलग से डालूंगा, तो वहां पे जाके दिखाऊंगा आपको कि भाई लोकल मार्केट के क्या प्राइजेज हैं। यहाँ पे फूड सेक्शन आ गया, तो ये प्राइजेज हैं ब्रेकफास्ट के हैं, जैसे वाफल है और एक कॉफ़ी है 40,000 सोम की, और ये बेसिकली टर्किश रेस्टोरेंट है, कैपेडोकिया नाम लिखा हुआ है इसका। अलग अलग प्राइस दिखाते हैं पहले आपको, देख फिर आपको बताते हैं आगे। तो गाइस ये है पिज्ज़ा के प्राइस, जो 25 सेंटीमीटर है 40,000 सोम का। मोशन स्नीमा था इमरा स्नीमा मोशन था मोशन है तो का मेन स्नीमा है उसे 30 सेंटीमीटर का 60,000 का, और 35 सेंटीमीटर का 75,000 का, और ऐसे ही है और पिज्जा अलग अलग के आप देख के समझ सकते हो। यूट्यूब ज़्यादा स्कोल का इंडिया ज़्यादा Hello India. Добро пожаловать в Узбекистан. Welcome to Uzbekistan. काफ़ी नाइस लोग हैं यहाँ पे भाई। तो ये ऐसे ही चीज़ केक वगैरह तुल का जो स्कूल का जातोवार स्कूल का उज़्बेकिस्तान उज़्बेकिस्तान दादा मालिका है मार्गरिटा दादा दादा $3 इट्स क्वाइट चीप आई गेस या Ваш канал. А да, да, можно. Только начинал.
पगफिश का वो जो माल है। तो भाई एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, ташкент еще два дня, да, а потом Самарканд и Украина, там жил 5 лет, да, и то, guys, एक सब्सक्राइबर और बढ़ गया। अगर आपने भी सब्सक्राइब करानी है, तम से आज ही नहीं है तो नवरने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, वो तो ही भी अनुस पे आज ही नहीं है तो दवाई तो दूर दाची दाची बाम। तो अब अगला दिखाते हैं आपको, मैं जो भी प्राइजेज हैं उनको नीचे टैग कर दूंगा, कन्वर्ट कर रहा हूँ तो गलत वलत कन्वर्ट हो जाएगा इसलिए कर नहीं रहा। अब अगली किसी आपको दिखाते हैं, अब ये जैसे बर्गर है 38,000 के हैं, 75,000 के हैं, 30,000 के हैं, रोल्स है 39,000 के। काफ़ी नाइस लोग हैं भाई, काफ़ी हसमुख लोग हैं। और ऐसे ही ये लगमान है, यहाँ के नूडल्स होते हैं जो सेंट्रल एशिया, ये एक और पिज़्ज़ा शॉप आ गई है। एक यहाँ पे ये इवोस है, यहाँ पे बहुत फेमस है, यहाँ पे शॉर्मा शॉप है बेसिकली, जो स्टैंडर्ड है 26,000 सोम का, 100 रुपये का 260 रुपये का, और अलग अलग तरह के और है, ये मेन्यू देख सकते हैं। महंगा नहीं है गाइस। तो अब नीचे चलते हैं, खाना खा रहे हैं लोग, ऑकवर्ड हो रहे हैं मेरे बीच में वीडियो। गाइस एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे हर एक बंदे की, जैसे सेंट्रल एशिया में जो एशियन वाली शक्ल है, हर एक बंदे की वैसी शक्ल नहीं है, कुछ अलग सी, जैसे ईरान के लोगों की, अफगानिस्तान के लोगों की होती है वैसी सी शक्ल है। क्या पता या तो लोग माइग्रेट करके आए हुए हैं, या फिर यहाँ पे भी ऐसे होता होगा कि सेंट्रल एशियन टाइप की भी होती होगी और ऐसी भी होती होगी। तो गाइस अब यहाँ पे नीचे इन्होंने स्टॉल्स लगा रखे हैं, यहाँ पे प्राइस वगैरह पूछते हैं। देखो ये उज़्बेकी ट्रेडिशनल कपड़े हैं सारे, कल मार्केट में देखेंगे हम। तो बाकी आपको एक झलक दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसे होते हैं इनके ट्रेडिशनल कपड़े। ये कुछ और चीज़ें हैं, स्वॉर्ड है लकड़ी की बनी हुई है, ये फ्रिज मैग्नेट वगैरह है। सबसे मेन चीज़ नंबर वन पे ग्रोसरी कवर होगी है, दूसरे नंबर पे अपनी कवर होगी है, खाना कवर हो गया, जो कि बाहर रेस्टोरों में कैफेज़ में क्या प्राइस है। और अब हम मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन का ऐसे है गाइस, जो क्या नाम है, जो ट्रॉली बस है उसका भी 1400 सोम है, जो मेट्रो है उसका भी 1400 सोम है। इधर ये नहीं है मेट्रो का कि भई आपके डिस्टेंस के हिसाब से आप 1400 सोम दो, एक बारी टिकट लो और कहीं मर्जी जाओ, कितनी मर्जी दूर हो, डजंट मैटर। तो अब ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। रहने का यहाँ पे बहुत महंगा नहीं है, मैं हॉस्टल में रुक रहा हूँ जिसका पर डे के मैं पे कर रहा हूँ $7 वो है, और $1.5 to $2 कोई रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे टूरिस्ट वो है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ, एक मैजिक पार्क है यहाँ पे, वहाँ पे ये था आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन उज़्बेकिस्तान।